TCS के दोस्तों क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं। पहले ये नतीजे हैं पूरे ये जो रिजल्ट सीजन है, डिविडेंड का डिक्लेरेशन किया है। डिविडेंड के साथ साथ हम बात करेंगे कैसे रिजल्ट्स रहे हैं, इस वीडियो में डिटेल में हम दोस्तों बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं डिविडेंड की बात कर दूं, ₹8 का डिविडेंड TCS ने डिक्लेयर किया है और साथ साथ जो रिकॉर्ड डेट है वो भी बताई है कंपनी ने, वो है 16 जुलाई को। तो 16 जुलाई रिकॉर्ड डेट है, उससे पहले एक्स डेट आएगी। एक्स डेट से पहले जिनके पास भी शेयर होगा ये इस डिविडेंड के लिए वो शेयर होल्डर्स एलिजिबल होंगे। और जो पेमेंट भी जो है एक महीने के अंदर ही हो रहा है, इनफैक्ट ये ऑगस्ट 3 को ये जो पेमेंट है वो हो जाएगा। तो ₹8 का डिविडेंड ऑगस्ट 3 तक पेमेंट भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। अब कंपेयर करते हैं पिछले साल, तो ₹7 का डिविडेंड था, तो ₹7 से अगर आप देखेंगे डिविडेंड ₹8 बढ़ा है। 2019-20 में ₹5 का था, तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें पिछले 3 साल का डेटा के हिसाब से तो डिविडेंड बढ़ा है। लेकिन डिविडेंड बढ़ा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं नंबर्स का भी योगदान है। अब नंबर्स को समझते हैं, बिजनेस को समझते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वार्टर वन का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। रेवेन्यू 52,758 करोड़ के रहे हैं, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में मतलब अप्रैल से जून जो 2021 पिछले साल 16.2% का ग्रोथ था और कांस्टेंट करेंसी में 15.5% का ग्रोथ है। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, रिटेल सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फिर ऑर्डर बुक कितनी है, $8.2 बिलियन की ये ऑर्डर बुक है, ठीक है। अब उसके ये मैं आपको जस्ट यहां पर दिखा दूं, पिछले साल अगर आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल का डेटा है, अगर इसी टाइम में देखेंगे तो 8.1 बिलियन की यहां पर हमको ऑर्डर देखने को मिला था, तो अभी ये बढ़ा है। सिमिलरली ये क्वार्टर वन, ये क्योंकि क्वार्टर वन ही मैं आपको बता रहा हूं, 6.9 था ये कोविड वाला साल 2020 की बात कर रहा हूं, और उससे पहले आप देखेंगे 5.7 था, तो 5.7 से 6.9, 6.9 से 8.1 और अभी आपको ये ऑर्डर बुक 8.2 बिलियन। तो कहीं ना कहीं ये ऑर्डर बुक जो है वो बढ़ी है, हमको पता चल रहा है। 9 नए क्लाइंट उन्होंने 100 मिलियन जो डॉलर्स हैं वहां पर ऐड किए हैं, पॉजिटिव चीज है। तो क्लाइंट ऐड हो रहे हैं और दूसरे साथ साथ एम्प्लॉइज भी ऐड हो रहे हैं। अब हेडकाउंट जो है 6 लाख से ऊपर का हेडकाउंट हो गया। लेकिन कैसे नतीजे आए हैं अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें, तो हमने देखा बहुत हद तक आपको भी पता चल गया होगा ग्रोथ हुआ है। जैसे पिछली बार रेवेन्यू 45,411 करोड़ था, जो अभी 52,758 करोड़। लेकिन आप यहां पर सीक्वेंशियली देखेंगे तो आप देखिए, जैसे मार्च क्वार्टर में 50,591 करोड़ का रेवेन्यू था, जो अभी बढ़ा है। लेकिन जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक है, 12,776 करोड़ अभी है, जो कि मार्च क्वार्टर में मतलब जनवरी से मार्च 13,364 करोड़ था, ठीक है। फिर 9,959 करोड़ का पैट था तब, और अभी 9,519 का पैट है, मतलब प्रॉफिट्स हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो है क्वार्टरली गिरे हैं, और उसका बहुत बड़ा रीजन है यहां पर एम्प्लॉई एक्सपेंसेस, एट्रीशन, और ये लग ही रहा था जो हमने प्रीव्यू वीडियो में बताया था कि ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला है, और वो है ही। आप देख सकते हैं पिछले साल एम्प्लॉई का 25,000 करोड़ से थोड़ा ऊपर का खर्चा था, और इस बार देखिए 30,000 करोड़ का खर्चा। मतलब ये कैसे हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉई ने जॉब छोड़ा होगा और नए एम्प्लॉय को भी उन्होंने लिया होगा, तो उनको लेने का खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा, तो ये सब भी चीजें हैं। अब इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं वो समझना है। ऑपरेटिंग मार्जिन जिस पर बहुत ज्यादा फोकस था 23.1% है, जो कि यही पिछले साल प्रॉफिट्स कम थे लेकिन मार्जिन्स ज्यादा थे, तो मार्जिन 2.4% कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। उसके अलावा नेट इनकम जो हमने देखी 9,478 करोड़ की है, 5.2% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, 18% का मार्जिन है, जो कि पूरे फाइनेंशियल ईयर पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में 20% था, तो इस बार अगर सिर्फ क्वार्टर की बात करें तो कम हुआ है, तो मार्जिन कम हुआ है। और रीजन कहाँ है, कहीं ना कहीं सब कुछ एट्रीशन पर है। आप देखिए 19.7% का एट्रीशन है, यही मार्च में मैं देख रहा था कुछ 17% से थोड़ा ऊपर का एट्रीशन था, जो अभी पिछले 12 महीनों का लगभग 20% के आसपास हो गया एट्रीशन। और ये अगर TCS की हालत है तो दूसरे जो रिजल्ट्स आएंगे, चाहे वो HCL के हो, इंफोसिस के हो, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्जिन कम हो रहे हैं, जो TCS का हुआ ही है, क्योंकि सबसे हाई मार्जिन में TCS के मार्जिन रहते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो बाकी लोग के भी एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है। सैलरी हाइक, टैलेंट चर्न, फिर ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये सब कुछ रीजन यहां पर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अब लास्ट में जो CEO साहब है उन्होंने कहा है कि स्ट्रांग नोट में रिजल्ट्स रहे हैं, डील विंस उनको बहुत स्ट्रांग हुई है,
ओवरऑल दोस्तों अगर आप रिजल्ट्स को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो उम्मीद है ना, उम्मीद से थोड़ा सा कम आया है, लेकिन फिर भी मैं फाइनल वर्डिक्ट देने से बचूंगा कि क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे कि सोमवार को क्या होगा, तो उसके लिए मुझे लगता है ये तो सिर्फ रिजल्ट्स आए और ये मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अभी एनालिस्ट मीट होगी और वहां पर हमको गाइडेंस के बारे में पता चलेगा, क्योंकि अभी ये जो अभी जो रिजल्ट्स आए हैं ये बहुत हद तक मार्केट को भी पता था कि ये थोड़ा खराब होने वाला है, क्योंकि एफआईआईज ने बेचा है, शेयर प्राइस भी आप देखिए ना 4000 के आसपास से कहां 3200-300 तक पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं मार्केट को भी पता था कि ऐसा हो सकता है, खराब आ सकता है। तो क्या ये सब क्या प्राइस दिन है? तो मार्केट अब क्या देखेगी, अगला एक साल देखेगी, तो वहां पर वो डिमांड देखेगी, सप्लाई देखेगी, सप्लाई में मेरा मतलब है एट्रिशन का नंबर्स देखेगी फ्यूचर में कैसा हो रहा है, तो वो जो गाइडेंस के नंबर्स आएंगे तो मुझे लगता है तब और ज्यादा आइडिया आएगा, जो मुझे लगता है 2-3 दिन का हमको वेट करना चाहिए, जो हम अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपको हम बता देंगे। बाकी कंपनी अभी भी मैक्रो लेवल अनसर्टेनिटी को लेकर थोड़ी सी विजिलेंट है, बाकी वो अभी स्ट्रॉन्ग डील विंस पर पॉजिटिव है और ग्रोथ पर वो पॉजिटिव है, जो बिल्कुल हमको सीईओ साहब के जो जो ये जो स्टेटमेंट है उनसे हमको टोटल पता चल रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग जो है कंपनियां कर रही है, इंडिया से बाहर भी कर रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट न्यूट्रल या थोड़ा सा उम्मीद से थोड़ा कम आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में टीसीएस ने ऐसी साइकिल्स बहुत देखी है, खराब साइकिल भी देखी है और बहुत कम कंपनियां उबर कर आई है और टीसीएस उसमें से उबर कर आई है। तो हम गाइडेंस का थोड़ा सा वेट करते हैं फाइनल एक जो भी है बताने से पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे उम्मीद आपको मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।